अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो कह रहे थे, दोबारा रिपीट करवा यस सर। दूं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये किया था कल, 7 के दो पार्ट थे, पहला और दूसरा। अब इस पार्ट में हमने ये करना है कि एक मिनट, मैं ना वो वैकम लेके आया। अब्दुल्ला सिर्फ 5 बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। तुझे क्या नजर आ रहा है? 5 बच्चे हैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त। तो फिर 5 ही होंगे, 5 ही हैं। आ जा तेजी से, मैथ के तो 16 बच्चे थे। कल थे ना वो, आ जाते हैं अभी, ओके आ जाते हैं अभी ना, ज्वाइन हो रहे हैं आस्ता आस्ता। अभी तो एंड पे हाफ साहब ने ज्वाइन करना है। यस सर उन्होंने यस। जब रेज कर देना, उन्होंने कहा सर रिपीट तो कर दे। वैसे ही अच्छा अभी ये इस क्वेश्चन में उसने बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिनमें तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये उसकी साइड ए, ये लेट्स सपोज बी, ये सी, ये तीनों साइड्स उसमें इक्वल होंगी। मतलब ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट ए बराबर ए बराबर ए। आपने अगर बी रखना है तो बी रख लें, बी प्लस बराबर बी। इसी तरह कोई कहता है मैंने सी रखना है, वो सी के बराबर भी रख सकता है। ये तीनों तरीके से सवाल हल हो सकता है इनका ना। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि मतलब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास। आर की वैल्यू होती है हमारे पास डेल्टा ओवर एस रेशियो। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ रही है, आर, कैपिटल आर की। इसकी वैल्यू होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, फोर और डेल्टा आर वन की होती है एस माइनस ए, माइनस आर ए टू की होती है एस माइनस डेल्टा एस माइनस बी, बी और नेक्स्ट होती है हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस सी। सी। अब इन वैल्यूज में हमारे पास ना तो हमारे पास एस की वैल्यू मालूम है, ना हमारे पास डेल्टा की वैल्यू मालूम है, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू मालूम है बस। बाकी सारे ये एस और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है। एस की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो अब इधर हमारे पास ए बी भी हमारे पास ए है, सी भी हमारे पास ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड उनकी इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास बन गया यस 3A। आगे जी हाँ फसवा भी मैं, 3A/2 ठीक हो गया। अब इनका एलसीएम तो ये आ गया, तीनों का सबका 3A/2 आ गया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए वैल्यू एस माइनस ए की। एस माइनस ए की वैल्यू क्या करेंगे, एस में से ए माइनस करेंगे। एस की वैल्यू ये आई है हमारे पास 3A/2, 3A/2 माइनस माइनस है ए। तो उनका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/2 ए। अब ये आ गई हमारे पास एस माइनस ए की वैल्यू भी यही होगी जो एस माइनस बी था, उसकी वैल्यू भी यही है, और एस माइनस सी भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो इधर हमारे पास आर वन आर टू और आर थ्री की, मतलब इधर सेंस तीनों की सेम ही है, मतलब आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री, सबका आंसर आएगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए। ए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर यस सर।
ठीक हो गया अभी। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास हमें चाहिए थी डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, डेल्टा की वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू तो है, एस की वैल्यू भी हमारे पास है, एस माइनस ए की भी है। आपको पता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों सेम ही है, तो इन तीनों की जगह हम यस कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, वन ओवर टू ए, वन ओवर टू ए, वन ओवर टू ए। तो वन ओवर टू ए का क्या बन जाएगा, क्यूब। क्यूब ये एस की वैल्यू आ गई। अब ये देखो थ्री को मल्टीप्लाई करना है, थ्री ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर थ्री, तो ये बनेगा थ्री ए की पावर फोर। नीचे क्या है, टू की पावर थ्री बनेगी, तो वो कितना आंसर बन जाएगा, एट। टू को एट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सोलह। सोलह का जजर हमारे पास क्या आ गया, चार, अंडर रूट थ्री वैसे का वैसे। इसकी जजर के साथ दो पावर कैंसिल हो जाएगी, दो पावर रह जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास अब जवाब आ गया किसका, डेल्टा का। जजर क्या होता है, जजर क्या होता है, जजर हमारे पास ये स्क्वायर रूट को कहते हैं हम। इतने तुम इंग्लिश मीडियम, जजर क्या होता है। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है किसमें, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। आर की वैल्यू है, उधर लिखा हुआ था आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो आर वन रेशियो आर टू रेशियो आर थ्री। अब आर की वैल्यू ये देखिए हम कैसे फाइंड आउट करने लगे। आर वन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें आर वन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस होता है। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू, यस, ये उसकी जगह पुट कर दी। स्केल और एस की वैल्यू हमने पहले मालूम की हुई है, थ्री ए ओवर टू। अब ये टू वन जार टू टू जार एक ए एक ए से कैंसल, या इसको उल्ट कर ले ऊपर जाके, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। थ्री थ्री ए ओवर टू है, तो ऊपर जाके टू ओवर थ्री ए बन जाएगा। टू वन जार टू टू जार एक ए एक ए से कैंसल, नीचे क्या बनेगा, टू थ्री जार सिक्स, ऊपर क्या रह गया, अंडर रूट थ्री और सात ए रह गया। ये हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। अब नीचे हमारे पास आ गया आर कैपिटल की वैल्यू, ए बी सी ओवर फोर डेल्टा। ए बी सी आपको पता है ए ए ए होगा, डेल्टा की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू जो लिखी हुई थी ये वाले, वो डेल्टा की वैल्यू पुट की। डेल्टा की वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए रह गया ऊपर और फोर फोर से ये कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास अंडर रूट थ्री रह गया। अब ये अंडर रूट थ्री उसने कंप्लीट करने के लिए ना, अगर आपने करना है तो कर लें, अदरवाइज इधर भी छोड़ दें, इधर इतना भी काफी है, यहाँ तक भी आगे हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने अंडर रूट थ्री, आपको पता है कि जजर को आपको जब डोमेन और रेंज का कंसेप्ट होता है ना, इसमें उसमें ओवर में आपने कभी भी एटा ओवर में भी नहीं रखना और कभी भी जजर को ओवर में नहीं रखना। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है एटा जब ओवर में होता था आप क्या करते थे, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि ओटा से खत्म हो जाए। इसी तरह अंडर रूट, जब भी अंडर रूट और एटा ओवर में आएगा तो उसको खत्म करने के लिए हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये उधर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री ए और साथ थ्री आ गया। नीचे थ्री थ्री खत्म हो गया, वो थ्री नीचे आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या कर रहे हैं, अब ये हमारे पास आर की वैल्यू भी निकल आई, स्मॉल आर की, कैपिटल आर की वैल्यू भी निकल आई हमारे पास। और अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है जस्ट एस माइनस जो ए आता है आर वन आर टू और आर थ्री। आपको पता है वो तीनों की तीनों वैल्यू क्या होगी, सेम सेम है सर, सेम है। तो एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए, यस ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास आ गया एस माइनस ए एस माइनस ए, वही तीनों का जो है आर वन की वैल्यू आएगी वही आर टू की होगी, वही वैल्यू आर थ्री की होगी। अब इधर हमारे पास था आर, ये आर की वैल्यू आ गई, ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई,
ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, ये आर टू की वैल्यू आ गई, और ये एट द एंड किसकी वैल्यू आ गई, आर थ्री की वैल्यू आ गई। आर थ्री की वैल्यू आने के बाद अब देखो थ्रू आउट सबका एलसीएम क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सिक्स है। हमने थ्रू आउट सबको सिक्स से मल्टीप्लाई किया, जब इसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया सिक्स से सिक्स कैंसिल, जब इसको सब किया थ्री वन जार थ्री टू जार, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया ये क्या बन जाएगा, थ्री अंडर रूट थ्री आ जाएगा सर, ठीक है ना। जब इसको किया इधर क्या बन जाएगा, इधर रह जाएगा थ्री, इधर भी क्या रह जाएगा थ्री, फिर सबके साथ क्या आ रहा है, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए सबके साथ आ रहा है, सबको थ्रू आउट अंडर रूट ए पे डिवाइड कर दिया। पहले का आंसर क्या आया था वन, दूसरे का आंसर क्या है टू, तीसरे का आंसर क्या आया थ्री, चौथे का थ्री, पांचवे का भी थ्री, फिर थ्री, ठीक हो गया। यही हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना था, यही रिजल्ट हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था इसका, क्लियर है। यस सर, ओके, हेलो, यस, हेलो सर, हाफिज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कौन सा क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन नंबर कल का ही था, वो कह रहे थे कि रिपीट करवा दें। हाँ जी आगे बताएं, इतना काम था सर जी, इलेवन है सर, आगे इलेवन है, इलेवन ट्वेल्व है, तो इतने आसान क्वेश्चन है सर जी, ना ही करवाते क्या, ना देखी दे साल मुझे अली हमदा, तू चुप करके बैठा था। बस भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू प्रूव करनी है फोर डेल्टा एस के, हमने देखना है कि मतलब इसमें को राइट हैंड साइड लेके तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव नहीं कर सकते। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने देखा कि इधर हमारे पास क्या पोर्शन दे रहा है डेल्टा, और साथ क्या दे रहा है एस का। अब ये देखिए हमारे पास उसने दे दिया इधर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा, हमने तो फार्मूले जितने भी पढ़े हैं वो साइन अल्फा बाय टू का था या साइन बीटा बाय टू, क्योंकि हाफ एंगल यूज कर रहे थे, या आर का फार्मूला था, आर कैपिटल का था, आर वन का, आर टू का, आर थ्री का, इनके फार्मूलाज थे हमारे पास। हमारे पास साइन अल्फा का फार्मूला भी नहीं है, साइन बीटा का भी नहीं है, साइन गैमा का भी नहीं है। हमारे पास हमने एक फार्मूला पढ़ा था 12.6 में, सेवन में सॉरी, जब हमारे पास टू साइड्स और वन एंगल गिवन हो तो उसका फार्मूला बनता है, ये लिखा हुआ है वन ओवर टू ए बी, ए बी साइन गैमा, साइन गैमा, इसी तरह बी सी साइन अल्फा, साइन अल्फा। जो हमारे पास साइड्स होंगी उनका एंगल नहीं आएगा, उनके अलावा जो बी साइड नहीं है उसका एंगल आ जाएगा। अब इधर से अल्फा बीटा और गैमा तीनों की वैल्यू उसने फाइंड आउट कर ली, डेल्टा इक्वल टू इसके था टू, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ए बी इनके नीचे आके डिवाइड हो गया, साइन गैमा की वैल्यू आ गई, साइन अल्फा की वैल्यू टू डेल्टा आ गया, बी सी इनके नीचे डिवाइड हो गया, टू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा के साथ, और सी ए नीचे आ गया। अब ये इनकी जगह वैल्यू पुट कर दी, जब ये वैल्यू हमने पुट की इनकी जगह, इनकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, टू डेल्टा ओवर बी सी, टू डेल्टा ओवर ए सी, टू डेल्टा ओवर ए बी। अब सबका एलसीएम क्या आ गया, अब इसमें बी सी है, इसमें ए सी है, इसमें क्या है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। ओहो ये किसकी आवाज आ रही है, उज़ैफा से आ रही है सर, उज़ैफा के माइक से, उज़ैफा, उज़ैफा लगता है उधर ही अभी इस्लामाबाद ही है सर, घर वाले कह रहे सौदा ला दो, इधर से हम करते हैं इसका ए बी सी आ गया, टू डेल्टा सब में कॉमन आ रहा है, इधर क्या रह गया वन ओवर बी सी प्लस वन ओवर ए सी प्लस वन ओवर ए बी, ठीक हो गया। अब ये देखें इनका एलसीएम क्या बन गया, ए बी सी, अब इधर क्या चीज काम है ए, इधर क्या की चीज काम है बी, इधर क्या चीज काम है सी, और बाहर आ रहा है हमारे पास ए बी सी टू डेल्टा, ए बी सी ये ए बी सी से कैंसिल,
और हमारे पास ये किसके बराबर होते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 2s के बराबर, 2s। हाँ तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी जगह या ऊपर वाले की जगह हम रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, बल्कि आज रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की मैंने सर, जो चल रही है रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यस सर हो रही है, ठीक है ठीक। तो 2 डेल्टा और इनका बन जाएगा हमारे पास 2s, 2 2s आर 4 डेल्टा s, वो कल वाली रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा मैं, ठीक हो गया अभी, यस सर, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ओके नो सर, यस सर, ओके। आज तो ऐसा की आवाज नहीं निकली, सौदा लेने गया मेरा क्या हेलो अल्लाह ख्याल कर, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, यस सर 12 है, यस सर 12 है, तो कह रहा हाफ साहब की वो आज भी हमें नसीब हुई, फैदी बरकत पड़ती है कि आप, हां अब बरकत पड़ गया, शुरू कर दो फिर। अच्छा अभी ये देखें लेफ्ट हैंड साइड वही उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को लेके अब प्रूव करना है हमने सी के बराबर, आर की वैल्यू हमारे पास, आर वन की, आर टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, टेन गैमा, टेन गैमा की हमने किधर से बनानी थी वैल्यू, इनका बल्कि फार्मूले भी आपको दिखाए थे, वही साइन अल्फा बाय टू का फार्मूला होता है हमारे पास, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी बी, और इसी तरह कोज अल्फा बाय टू का फार्मूला क्या था हमारे पास, एस इंटू एस माइनस एस माइनस ए ओवर बी सी ओवर बी सी, जब टेन का फार्मूला करेंगे इन दोनों की रेशियो बना लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ऊपर ये वाली टर्म रह जाएगी और नीचे ये वाली टर्म रह जाएगी। इसी तरह अब गैमा था, गैमा में हमारे पास गैमा वाली टर्म नहीं होगी ऊपर, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस माइनस एस इंटू एस माइनस सी, ये हमारे पास टेन गैमा बाई टू का फार्मूला था। अब इनका एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम जब लेंगे, इनका एलसीएम क्या आ गया, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया डेल्टा, ये मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं आप, पहले इनको ना डेल्टा जब जो चीज कॉमन आती हो ना उसको कॉमन ले लिया करें, अब इसने किया बाद में कॉमन, ये नीचे बाद में कॉमन किया है, अब देखें इसके अंदर किस चीज की हमारे पास कमी थी, एक तो एस नहीं आ रहा था इसके साथ और एक एस माइनस सी, मतलब नीचे वाला पोर्शन ऊपर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, वो वाला पोर्शन बनाने के लिए मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी कर दिया उससे और डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। अब ऊपर तो हमारे पास काम कंप्लीट हो गया, हीरो फार्मूला कंप्लीट हो गया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे क्या बन गया, एस और एस एस के एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस सी का होल का स्क्वायर। अब इन दोनों में से डेल्टा जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, एस माइनस बी एस माइनस ए, एस और एस मिलके क्या बन गया, टू एस, टू एस आ गया, माइनस ये ए है और माइनस ये बी है, ठीक है, और ये हीरो फार्मूला पूरा के पूरा किसके बराबर आ गया, डेल्टा स्क्वायर के बराबर, और नीचे भी हमारे पास एस स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर है, तो ये सारे के सारे किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के साथ, अंडर रूट के साथ कैंसिल होने के बाद हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी, इधर रह जाएगी हमारे पास टू एस माइनस डेल्टा ए प्लस बी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू, इधर रह गया डेल्टा ओवर नीचे क्या बन गया, एस एस माइनस सी। अच्छा अभी ये देखें
इसका फॉर्मूला हम कहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लेके आएंगे, तू बताएगा? इसका आएगा इसका फॉर्मूला a plus b over c is over 2 का, हाँ यहाँ से ये बन गया 2s a plus b plus c. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सर यहाँ पर डेल्टा नहीं आएगा इस जगह पे? किसकी जगह सर? इस जगह पे जहाँ पे मार की है सर, इसके साथ? हाँ हाँ बाई डेल्टा भी आना था. यस सर. बस भी पीछे नीचे ना मारो. 2s माइनस, अब c आ जाएगा इधर, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 2s माइनस सी. 2s माइनस सी ठीक हो गया. आ गया हमारे पास 2s माइनस सी. इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास 2s माइनस, अभी वो वाली वैल्यू हमने पुट करनी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसकी जगह a प्लस बी की जगह पुट करेंगे, ये बनेगा 2s प्लस सी माइनस, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर डेल्टा और ये वाला डेल्टा मिलके क्या बन जाएंगे? डेल्टा का स्क्वायर. और नीचे बन गया s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी. और इसका नेक्स्ट जवाब बनेगा 2s से 2s कैंसिल, ऊपर क्या रह गया? c और डेल्टा स्क्वायर. हम नीचे देखें हीरो फार्मूला फिर कंप्लीट हो रहा है. s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये किसके बराबर होते हैं? डेल्टा स्क्वायर. डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, आंसर क्या आ गया? सी. और सी के बराबर ही हमने इसको प्रूव करना था. क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे. नो सर. रेज कर दो. यस सर. यार क्लियर हो गया. ओके. अच्छा अभी नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी है. अच्छा अभी इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है. उसी तरह आर थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? डेल्टा ओवर एस माइनस सी. आर की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा ओवर एस. कोट गैमा बाय टू. क्या हुआ? कोर आ रहा था सर. सर हमें तो नहीं आ रहा, इसको ही आ रहा है. चलें ठीक हो गया जी, ठीक हो गया. कोट गैमा बाय टू का हमने रेसिप्रोकल, क्योंकि कोट गामा बाय 2 का हमने फार्मूला नहीं डिस्कस किया हुआ. हमने टैन गामा बाय 2 का पिछले क्वेश्चन में ही फार्मूला डिस्कस किया हुआ है. सो उसका रिवर्स हो जाएगा. हाँ उसका रिवर्स हो जाएगा हमारे पास. तो वो रिवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके वो बन जाएगा एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी. उसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था? डेल्टा कॉमन आ गया, डेल्टा बाहर आ गया. 1 over s minus c और minus 1 over s. जब इनका LCM लेंगे, LCM क्या आ गया? s minus c और साथ s. ये multiply हो जाएगा, इसकी जगह इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास s minus c. तो वो minus उसको क्या कर देगा अंदर? minus minus plus हो जाएगा c. तो ये s s से cancel हो जाएगा. ठीक है ना? ये वाला स्टेप एक इधर ऐसे करेगा s माइनस एस
प्लस सी, एस एस से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया सी, ये डेल्टा एज इट इज डेल्टा की जगह आ गया। अब इधर बी वही काम करना है अगेन, नीचे वाले पोर्शन में क्या चाहिए हमें कंप्लीट करने के लिए, एस एस माइनस सी चाहिए था, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या बन गया वो एस स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर, नीचे हमारे पास सारा वो हीरो फार्मूला फिर कंप्लीट हो गया। उसका जब हम स्क्वायर करेंगे ये सारे का सारा इनका स्क्वायर आ जाएगा, और ये साथ हम एज इट इज वैसे लेके चलते जा रहे हैं, इसको ये स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इधर रह गया डेल्टा। अब ये देखें यहाँ से एक डेल्टा आया था, ये वाला डेल्टा निशिल वाले डेल्टा से कैंसिल, एस माइनस सी और एस, एस माइनस सी और एस से कैंसिल, पीछे रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रहेगी सी, तो ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक हो गया, क्लियर सबको? यस सर। करें बिस्मिल्लाह अगला चैप्टर। यस सर। सर दो मिनट नौ सर नौ चैप्टर करने आज सर।